एक बुजुर्ग इंसान जिसे अपने घर वालों ने घर से बेघर कर दिया है और अब ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया है। वो चाहता है बस काम करना, मगर कोई बात तो सुन ले, क्योंकि जो बात सुन लेगा वही बन जाएगा आज सास बहु और साजिश का सीक्रेट सुपरस्टार। तो ये तैयारी हो रही है, गेट अप लिया जा रहा है सास बहु और साजिश के सीक्रेट सुपरस्टार को ढूंढने के लिए, क्योंकि गेटअप के बिना किरदार नहीं बनता। तो बेहाल हाल दिखने के लिए ही ये नया रूप धरा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या। आपने वैसे तो मेरे कई अवतार देखे, लेकिन आज मेरा अवतार थोड़ा सा बदल गया है। मैं बन गया हूं एक ऐसा आदमी जिसको परिवार वालों ने ही लूट लिया है, बहू और बेटे ने सब कुछ ले लिया और अब घर से बेघर कर दिया है। तो अब देखते हैं मुझे कोई मिलता है या नहीं, आज सास बहु और साजिश का सीक्रेट सुपरस्टार। तो अब हम निकल चुके हैं सीक्रेट सुपरस्टार को ढूंढने। मुंबई की रफ्तार में भागते दौड़ते लोगों में से कौन सुनता है आज इस मजबूर इंसान की बात, जरा देखते हैं। भैया एक बात सुनेंगे मेरी? एक्सक्यूज मी सर, आप मेरी एक बात सुनेंगे? दोस्त एक बात सुनोगे मेरी? टाइम ही नहीं है किसी के पास। भाई एक बात सुनोगे, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। एक्सक्यूज मी भैया, कोई बात सुनेगा मेरी? एक बात सुनेंगे दोस्त? एक्सक्यूज मी ब्रदर, बात सुनेंगे मेरी? भैया एक बात सुनेंगे आप मेरी? एक मिनट सिर्फ, एक मिनट। मुझे ना मेरे फैमिली वालों ने घर से बाहर कर दिया है, मेरे बेटे बहू ने घर से निकाल दिया है, और मैं ना अभी कोई ऐसा घर ढूंढ रहा हूँ जहाँ वो मुझे सहारा दे दे, काम दे दे। वैसा कोई भी काम कर लूँगा मैं घर पे, क्योंकि मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहता, मैं किसी वृद्धाश्रम में नहीं रहना चाहता। सॉरी अंकल, मेरे पास सुनिए ना, एक मिनट सर, मुझे ना काम की तलाश है, मुझे मेरे घर वालों ने बेघर कर दिया है और मैं कुछ काम ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, मुझे कोई रख नहीं रहा। इधर ही पेट्रोल पंप के पास मैं सोता हूँ, घर वालों ने मुझे बेघर कर दिया, सब कुछ ले लिया मेरा, कोई नहीं सुनता है। सब सर सब पैसे मांगते हैं, अभी पैसे नहीं है तो कोई नहीं। मैंने मतलब मैं कभी ऐसे रहा नहीं अभी, लेकिन मजबूरी है। ये तो वड़ा पाव वगैरह खिला देता हूँ, दूसरा मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे खाना तो बहुत मिल जाता है, लोग दे देते खाना, लेकिन कुछ काम चाहिए। काम के लिए मैं ही तलाश रहा हूँ साहब, देखो ऐसा नहीं मैं बोल रहा, मैं भी गरीब घर से, वो बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकता। तो खाना चाहिए तो वड़ा पाव वगैरह खिला देता, चाय वगैरह खिला देता। आप बहुत अच्छे हैं, आपने बात सुनी और हेल्प करने की आपने जो तैयारी दिखाई ना, वही अपने आप में बड़ी बात है। आओ चाय तो, आओ थोड़ा थोड़ा चाय पी। तो आप ना, आप आज हमारे सीक्रेट सुपरस्टार बन गए हैं। तो फाइनली हमें हमारे सीक्रेट सुपरस्टार मिल गए हैं आज के। क्या नाम है सर आपका? सचिन पाटिल। सचिन पाटिल, तो सचिन पाटिल आज हैं सास बहु साजिश के सीक्रेट सुपरस्टार।
सर ये जज्बा है आप में लोगों की मदद करने का, दूसरों की मदद करने का मतलब, और आपने ये कहा कि भाई चलो मैं आपको खाना खिला देता हूँ, यही अपने आप में बड़ी बात है। नहीं नहीं शुक्रिया, वो तो हर इंसानियत में रहना ही चाहिए, जो भी करता है सच्चे दिल से करना चाहिए बस। सीक्रेट सुपरस्टार के मौजूदा सीजन का ये आखिरी एपिसोड था, लेकिन इसका सीक्वल जरूर आने वाला है। दूसरा सीजन आएगा और दूसरे सीजन में जो है इसकी पूरी तरह से शक्ल बदलने वाली है, पूरा ट्रीटमेंट बदलने वाला है, एक नया रूप नया अंदाज आपको दिखेगा सीक्रेट सुपरस्टार का। तो आप जरूर देखिए सास बहु और साजिश का सीक्रेट सुपरस्टार। ABP News, आपको रखे आगे।